और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है पंजाब के फिरोजपुर से, जहां एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकी अर्शदीप डल्ला के करीबी को गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए ने सुबह 5 बजे फिरोजपुर के मच्छी मंडे इलाके में छापेमारी की, आरोपी के पिता की मारे तो एनआईए की टीम उसे हेम थाना सिटी लेकर गई, जहां उससे पूछताछ इस वक्त की जा रही है। देश भर में 51 ठिकानों पर एनआईए की इस वक्त छापेमारी, अर्श डल्ला का बेहद जो करीबी है वो गिरफ्तार हो चुका है पंजाब के फिरोजपुर से। खालिस्तानी गैंगस्टर गठजोड़ पर एनआईए ने बड़ा एक्शन ले लिया है। 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड और यूपी में एनआईए की रेड हुई है। 51 जगहों पर छापेमारी की गई। एनआईए सूत्रों की माने तो विदेशों में बैठे खालिस्तानी और गैंगस्टर भारत में ओवरग्राउंड वॉकर को हवाला चैनल से ड्रग्स और हथियार के लिए फंडिंग कर रहे हैं। तो पंजाब, हरियाणा सहित कई ऐसे राज्य हैं जिसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, वहां पे भी छापेमारी इस वक्त चल रही है। ये छापेमारी 51 जगहों पे चल रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टर के कनेक्शन के खिलाफ एनआईए देश भर में छापेमारी कर रही है। हरियाणा के रोहतक में एनआईए गैंगस्टर हिमांशु के घर पहुंची, जिस पर विदेश से गैंग चलाने का आरोप लगा। राजस्थान के श्रीगंगानगर में खालिस्तान से संबंध के आरोप में एक छात्र नेता के घर भी छापेमारी हुई। पंजाब, उत्तराखंड के अलावा राजस्थान और हरियाणा समेत 7 राज्यों में 51 जगह पर छापेमारी की गई। कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। ये 4 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो 51 जगहों पर छापेमारी, रोहतक, फरीदकोट, फिरोजपुर, मानसा, ये वो जगह जहां पे एनआईए की टीम आपको और लोकल पुलिस भी आपको दिख रही होगी। इन जगहों पे छापेमारी इसलिए चल रही है क्योंकि कनेक्शन सामने आया है कनाडा और इन जगहों का, यानी कनाडा में बैठे जो खालिस्तानी हैं वो यहाँ के लोगों को भी ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी उनका नेटवर्क इन जगहों पे भी फैला हुआ है। राजस्थान का कौन सा इलाका है? श्रीगंगानगर। पंजाब का भटिंडा, देहरादून, उत्तराखंड, पंजाब का मानसा भी और पंजाब का मोगा और हरियाणा का रोहतक, ये वो इलाके हैं जहां पे एक के बाद एक छापेमारी चल रही है। कुछ ही देर में एनआईए सोर्सेस के जरिए हम आपको ये भी बताएंगे कि वहां से किसकी किसकी गिरफ्तारी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कौन से कारोबार के बारे में बातें सामने आई है, क्योंकि ड्रग्स का एंगल बहुत बड़ा एंगल है। इस नेटवर्क को जो पैसा मिलता है वो कैसे मिलता है? वो मिलता है ड्रग्स के कारोबार के जरिए। अब आपको दिखाते हैं कि एनआईए कहां कहां छापेमारी कर रही है, एक एक करके हम आपको बताएंगे। पंजाब में 25 ऐसे जगह है जहां पे छापेमारी चल रही है। हरियाणा की बात करें तो 4 ऐसे जगह हैं। राजस्थान में 13 जगहों पे, ये इस वक्त हम आपको मैप के जरिए बता रहे हैं कि एनआईए का ये बड़ा एक्शन हम क्यों कह रहे हैं। पंजाब में इस नक्शे के जरिए आप देखिए, मैप के जरिए देखिए, पंजाब में 25 जगहों पे छापेमारी, हरियाणा में 4 जगहों पे, इसके अलावा राजस्थान का इलाका, ये नेटवर्क कितना बड़ा है वो हम आपको बताएंगे, 13 जगहों पे यहाँ भी छापेमारी चल रही है। इसके अलावा देश की राजधानी दिल्ली में भी 1 जगह पे और उत्तराखंड में भी, देहरादून समेत 2 जगहों पे, और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा, वहां पे भी छापेमारी इस वक्त चल रही है। तो पंजाब में एनआईए 5 जगह पे छापेमारी कर रही है। मोगा, मानसा, बडिंडा और फरीदकोट समेत फिरोजपुर में एनआईए की छापेमारी इस वक्त जारी है। खालिस्तानी गैंगस्टर गठजोड़ पर सिर्फ पंजाब तक ही नहीं, देश भर के कई राज्यों में एनआईए एक्शन में है। कई जगह छापे मारे जा रहे हैं और खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। ये अलग अलग एंगल से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि एनआईए की टीम पहले की तुलना में ज्यादा एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स, कुछ ऐसे एनआईए की टीम के पास इंफॉर्मेशन है जिससे पता चलता है कि इन जगहों पर छापेमारी जरूरी है।